शिवपाल राजभर से आर पार के बाद कैसे खड़ा करेंगे फिर से अखिलेश गठबंधन। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए क्या अखिलेश यादव कर रहे हैं नए गठबंधन की तलाश। अखिलेश यादव के सामने खड़ी हुई मुसीबत कैसे लड़ेगी 2024 में समाजवादी पार्टी बीजेपी से। अखिलेश का सोनिया गांधी को लेकर दिया गया बयान चर्चा में, क्या 2024 में साथ आएंगे सपा और कांग्रेस। सूबे में इस वक्त सारी पार्टियां एक के बाद एक अपने दांव चल रही है, लेकिन इस वक्त मझधार में फंसी है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सामना करना पड़ रहा है एक के बाद एक कड़ी चुनौतियों का, क्योंकि हाल ही में शिवपाल और राजभर के जाने से विधानसभा चुनाव में खड़ा किया गया अखिलेश का गठबंधन टूटने की कगार पर है। बात चाहे शिवपाल की करें या फिर राजभर की, इन दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली है। तो वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर में पार्टी में अंतःकलह सामने आ रही है। यहां इमरान मसूद और आसू मलिक जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव को लेकर आमने सामने आ गए हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ा खेल मुस्लिम नेताओं को लेकर भी है, क्योंकि इस वक्त सभी मुस्लिम नेता नाराज बताए जा रहे हैं अखिलेश यादव से। हालांकि इन सब के बीच अखिलेश ये जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बदलती स्थितियां साफ दिखा रही हैं कि भविष्य की राह अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं है, वो बिल्कुल कठिन है। लेकिन अब इस खेल में अखिलेश यादव पीछे नहीं रहने वाले, क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी के समर्थन में एक बयान दे दिया वाराणसी में, और अब उसका सियासी मतलब निकाला जा रहा है। बीजेपी जो अभी तक अखिलेश यादव से सत्ता छीन रही थी, वो अब सपा और खासकर यादव परिवार के गढ़ पर भी कब्जा करती दिख रही है। हाल ही में हुए आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा चुनाव में साफ जाहिर हो गया कि 2024 में चुनाव में अखिलेश के लिए चुनौती गंभीर है। दरअसल इस वक्त की सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश खुद भी गठबंधन के तमाम रास्ते खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं, और वो विपक्षी एकता पर जमकर जोर दे रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ भी संवेदना वो जता रहे हैं। वाराणसी में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रही है, अब विपक्ष को भी बांटने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष को बांटकर और डराकर रखना चाहती है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है। ईडी और सीबीआई का प्रयोग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी किया गया है। विपक्ष के नेताओं को भी इन जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान किया जा रहा। अब तो कांग्रेस की अध्यक्ष को भी ईडी ने बुला लिया। कांग्रेस की अध्यक्ष को बुलाकर केंद्र सरकार ये संदेश देना चाह रही कि जो विरोध में बोलेगा उस पर ईडी का इस्तेमाल होगा। वैसे अगर अखिलेश इस बार भी कांग्रेस के साथ जाते हैं तो उनको 2017 के विधानसभा चुनाव को याद करना होगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ सपा का यूपी के लड़के वाला प्रयोग पूरी तरह से फेल रहा था। चुनाव में सपा 311 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 47 सीटें ही जीत सकी थी। वहीं कांग्रेस ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें ही जीत पाई। खैर, साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने गठबंधन किया छोटे दलों के साथ, पार्टियों के साथ, और उससे उनका फायदा हुआ। उनकी पार्टी 47 सीटों के आंकड़े से ऊपर जरूर उठी और 111 तक पहुंच गई, लेकिन बहुमत के मैजिक नंबर से कोसों दूर रही। उल्टे राष्ट्रीय लोकदल, जो यूपी में पिछले चुनाव में हाशिए पर चली गई थी, वो 8 सीटें जीतने में सफल रही। यही नहीं, सपा की सहयोगी सुभाषपा भी 6 सीटें जीत गई। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट कर जरूर बताएं।